एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं कल शॉपिंग करने के बाद। ये मैं नेक्स्ट डे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैंने ज़ूडियो से क्या क्या खरीदा है और कितने में खरीदा है, बिकॉज मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, बिकॉज मैंने आपको रिव्यू बता ही दिया कि मेरे को ज़ूडियो के आइटम्स मे बी मैं बहुत लास्ट में गई थी तो ज़्यादातर स्टॉक आउट हो चुके थे, तो ज़्यादातर स्टॉक थे नहीं, बट जितने भी अवेलेबल थे उसमें जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिया है। और क्या क्या लिया है, चलो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन दिखाती जाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। इसका कभी आगे चल के आप मेरा ट्राई ऑन हॉल भी देख पाओगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आपको इस वीडियो में शो करने जा रही हूँ। तो देखते रहिए और आगे तक बढ़ते रहिए। देखते हैं, मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें ली है स्टूडियो से। तो मैं आपको वन बाय वन इसमें से दिखाती जाती हूँ, फर्स्ट जो भी निकल जाए वही दिखा देती हूँ। ओके, फर्स्ट ये मैंने कनिष्क के लिए लिया है टी शर्ट एंड शर्ट का सेट, जो कि ये सेट में है 399 रुपीज। इसके साथ है ये पैंट, हाय कितना प्यारा है और बहुत प्यारा लगेगा। फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकेंड, ये मैंने लिया है अपने लिए एक टी शर्ट सिंपल सी, बिकॉज कनिष्क को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना होता है और कई बार ऐसे ही मार्केट जाना होता है, मार्केट विजिट करना होता है, तो इस टाइप के जीन्स और टी शर्ट बहुत ही कूल लगते हैं। तो ये मैंने कितने का लिया था, ये मैंने लिया था 199 का। 199 के अकॉर्डिंग तो इसके टी शर्ट्स अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि इतने में हमें ऑनलाइन भी आजकल स्टफ़ मिल जाते हैं, तो अगर मैं आप गए हो तो वहाँ से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको इतने में ऑनलाइन भी अच्छे आइटम्स मिल जाते हैं। सेकंड, थर्ड, ये मैंने लिया है अपने हस्बैंड के लिए एक टी शर्ट, बिकॉज मैंने सोचा कि कनिष्क के लिए ले ही लिया है और अपने लिए ले ही लिया एक टी शर्ट, तो एक मेरे हस्बैंड के लिए भी लेना बनता है। एंड दिस इज़ फॉर ₹199 के अकॉर्डिंग मेंस टी शर्ट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और उन पर वो कभी पहनेंगे तो मैं शो भी करूँगी, बिकॉज ये साइज़ मीडियम में लिया है मैंने, सबका टैग अभी लगा हुआ है, बिकॉज मैं जस्ट कल लेकर के आई हूँ और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोग के सामने। नेक्स्ट, ये बहुत कूल सा ना कनिष्क के लिए पैंट था, 5 to 6 years के लिए। कनिष्क है 3 साल का होने वाला है, बट मैंने 5 से 6 साल का उस पर कपड़े फिटाते हैं। ये है 399 का। ये पैंट बहुत सॉफ्ट था और समर्स चल रहे हैं ना, तो मॉइस्चर गर्मी बहुत है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ना बहुत सॉफ्ट था, तो ये इसके पापा की चॉइस थी। एक्चुअली इसके पापा का फेवरेट कलर भी है यही, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पसंद की थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट लिया है हमने कनिष्क के लिए ये शर्ट, जो कि बिल्कुल इसके पापा की तरह ही है शर्ट, जैसा उसके पापा पहनना पसंद करते हैं सेम वैसे। ये है 399 का। 399 के अकॉर्डिंग तो मुझे बच्चों के कपड़े ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे, एक्चुअली बच्चों के कलेक्शन बहुत अच्छे थे और उसमें स्टॉक्स भी थे। अगर मैं 5 to 6 years कनिष्क के लिए लेती हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी आइटम्स थे उन लोग के पास, स्टॉक आउट नहीं हुआ था। बट अगर मैं वुमेन की बात करूँ ना, सच में सारे स्टॉक्स ख़त्म थे, पूरे विंटर कलेक्शन आ चुके थे, तो विंटर कलेक्शन भी ज़्यादा मुझे दिखा था। और ये मुझे कनिष्क के लिए शर्ट अच्छा लगा, और अभी होने वाले हैं बहुत सारे फंक्शन घर पर, तो मेरे को लग रहा था कि उसके अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। और बाकी अब जो आइटम्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सारे मेकअप से रिलेटेड ही हैं। फर्स्ट, ये मैंने लिया है शार्जर। ये एक्चुअली मैं ट्राई करना चाह रही थी, इसका रिव्यू मैंने बहुत जगह देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए था। इसका प्राइस है 199, लेकिन इस पर कहीं मेंशन नहीं किया। ओह 199 है, सॉरी 99 है। ओह 99 रुपीज़ का शार्जर, मेरे को लगता है ये कम से कम आधे महीने तो मेरा चल जाएगा। तो खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी थी, मैंने वहाँ पे ना ऐसे जस्ट ओपन करके खुशबू अच्छी है, सिट्रिक है, एक्चुअली सिट्रस शार्जर, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही थी तो मैंने ये लिया था। नेक्स्ट मैंने एक बॉडी मिस्ट लिया है अपने लिए, डिओड्रेंट और इन सबसे बॉडी मिस्ट तो सबके पास होना चाहिए आजकल, और यहाँ पर ना कुछ रैश टाइप भी हो रहा है, क्या खुशबू स्मेल्स, हाँ बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। मैं इसका, इस पर कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा है, बट जो भी है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये नेल पेंट रिमूवर, बिकॉज ये नेल पेंट रिमूवर ना हमारे घर में बहुत यूज़ होता है, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और मैं नेल पेंट तो रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, हालांकि मैं नेल पेंट अभी रिमूव करती ही नहीं हूँ,
जैसे अगर लग गया तो लग गया, उससे जब मैं फ्री टाइम होगा तो कभी बहुत इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन होगा तब जाके मैं उसे रिमूव करती हूँ। तो ये कितने का था? ये 49 रुपीज़ का है। तो 49 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दो मैंने ले लिए थे कि हाँ चलो ये यूज़ आएंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है एक नेल पेंट। मैंने सोचा कि रिमूवर ले ही लिया तो नेल पेंट भी मुझे रिमूव करके न्यू नेल पेंट लगाना चाहिए, तो मैंने ये नेल पेंट भी ले लिया था। इसका प्राइस 79 रुपीज़ है। 79 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मैं इसको जस्ट अप्लाई करके भी आपको दिखा सकती हूँ कि बहुत अच्छा है। 1 मिनट, बहुत अच्छा है। इसका थिकनेस ना और प्लस इसका शेड भी बहुत अच्छा, मुझे ये शेड पसंद है, शाइनी शाइनी सा। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये कुछ क्लचर। सी एवरी टाइम मेरे ना हेयर पे क्लचर होता ही है, मुझे क्लचर तो एक अगर मैंने कहीं निकाला तो एक कहीं रख देती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये क्लचर लिया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है और जस्ट 99 रुपीज़। इसके बाद मैंने, अगर मेरा मन उससे नहीं भरे लिक्विड वाला, कभी मेरे हस्बैंड ख़त्म कर दे, तो मैंने ये वाइप्स भी ले लिया है, जो कि मैंने पहले भी लिया हुआ था, वो फिनिश हो चुके थे। तो ये मैंने 49 रुपीज़ में वाइप्स भी लिए हैं, जो कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसको तो मुझे रिपीट करना ही था और ये मैंने ले लिया, रिपीट कर दिया। और मैं आपको बिल दिखाती हूँ मैंने कितने की शॉपिंग की है। मेरे सारे Zudio के आइटम्स जो मैंने Zudio से लिए हैं, हालांकि मैं जितनी एक्साइटेड होके गई थी उतनी एक्साइटमेंट मेरी वहाँ रह नहीं गई थी आइटम्स देखने के बाद। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको पसंद नहीं आने वाला है ज़्यादा कुछ, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी, बट मुझे जाना था ही। मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया इस वीडियो में कि क्या क्या आप देख सकते हैं। विंटर शॉपिंग आप कर सकते हैं, विंटर क्लोथ्स बहुत अच्छे डिस्काउंट सेल में आया हुआ है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। ये थे मेरे कुछ सिलेक्शन जो मैंने लिया था। विंटर की अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे, तो अभी ठंडी का जब मैं शॉपिंग करूँगी विंटर क्लोथ्स, तो वो भी व्लॉग आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल मैंने जो जो लिया है आइटम्स वो मैंने आपको शो कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बिल दिखाती हूँ कि मैंने आखिर में Zudio से कितने की शॉपिंग, जो कि मैंने की है 2208 रुपीज़ की। मैं फर्स्ट टाइम कहीं पे मॉल गई हूँ, मैंने सिर्फ 2000 की शॉपिंग की है, वो भी मैंने बहुत सारे आइटम्स ले लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतने से प्राइस में इतने सारे आइटम्स ले, बस इस बात की खुशी है। अदरवाइज मुझे Zudio के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं लगे। मेरे ख्याल से अगर टी शर्ट की भी मैं बात करूँ ना, 199 का है, लेकिन 199 एक टाइम वॉश के बाद वो शायद रद्दी हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, हम रद्दी भी चलाएंगे जब तक हम चला सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डाडा बाय बाय। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले। सेप्टेम्बर इज गोइंग टू बी ह्यूज, मतलब सेप्टेम्बर में जितने आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे ना, शायद किसी और टाइम इतने व्लॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। अगर आपको मेरा आज का ये Zudio हॉल पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द कैंडिडेट ब्लॉग।